क्या आपका ई रिक्शा का स्पीड कम हो चुका है? क्या आपका ई रिक्शा का माइलेज कम मिलते हैं? तो ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ई रिक्शा पुराना होने से क्यों ई रिक्शा का स्पीड कम होते हैं, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ई रिक्शा का बैटरी सही होने के बाद भी क्यों माइलेज इतना कम मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोपाल। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी को एक ही बात बोलेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो घंटी है उसे प्रेस करके ओके करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो हम आगे लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ई रिक्शा का स्पीड क्यों कम हो जाते हैं। अगर आपका ई रिक्शा पे ऐसा प्रॉब्लम है तो आपको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आपका ई रिक्शा का कंट्रोलर की वहाँ पे फॉलो करना है, क्योंकि ई रिक्शा का कंट्रोलर की वहाँ पे रहता है बहुत सारा तार, और ई रिक्शा का एक्सेलेटर की तार में अगर लूज कनेक्शन रह जाते हैं और इसके साथ साथ मोटर सेंसर की तार में अगर लूज कनेक्शन रह जाते हैं तो ई रिक्शा का स्पीड कम हो जाते हैं। आपको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, तो एक्सेलेटर की तार है वहाँ पे लूज कनेक्शन तो नहीं है, अगर लूज कनेक्शन है तो आपको अच्छा से कनेक्शन कर देना है, और इसके साथ साथ आपको मोटर सेंसर की जो तार है वहाँ पे अगर आपको लूज कनेक्शन लगता है तो आपको अच्छा से कनेक्शन कर देना है। इस तरीके से आप अच्छा से कनेक्शन कर देने से आपका ई रिक्शा का स्पीड का प्रॉब्लम सही हो जाएगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ई रिक्शा का बैटरी सही होने के बाद भी क्यों ई रिक्शा का माइलेज कम मिलते हैं। अगर ऐसा प्रॉब्लम आपका ई रिक्शा के साथ हो रहा है तो आप सीधा और की वहाँ पे फॉलो कीजिए, क्योंकि मोटर में अगर गियर ऑयल घुस जाते हैं तो ऐसा प्रॉब्लम होता रहता है। आपको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आपको मोटर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप डीजल या पेट्रोल से मोटर को वॉश कर लीजिए, और उसके थोड़ी देर बाद मोटर को आप आपका ई रिक्शा पे फिटिंग कर लीजिए। इस तरीके से जैसे ही आपका मोटर आप वॉश करके आप ई रिक्शा पे फिटिंग करेंगे तब आपका ई रिक्शा का माइलेज अच्छा मिलने लगेगा। और अगर आपको ई रिक्शा का मोटर ओपन करना नहीं आते है तो आप आई बटन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं, जिस वीडियो पे मैं दिखाया हूँ मोटर सेंसर बोर्ड किस तरीके से चेंज करना है, और वो वाला वीडियो काफ़ी लंबा है लेकिन आप लोगों का प्यार काफ़ी मुझे मिला है वो वाला वीडियो से। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।